नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi MI 6X पर वीडियो कॉल प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो कॉलिंग पे आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आते हैं ठीक है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपका जो वीडियो कॉल है मैं इस फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है ना कि आपके व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर किसी दूसरे वीडियो कॉल ये वीडियो कॉल के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर आपका जो ये वीडियो कॉल का फ्यूचर है ये काम नहीं कर रहा है तो कैसे इसको फिक्स करना है ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वे शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करके वीडियो कॉलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको भी जानना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा अगर आपका जो वीडियो कॉल है ठीक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उस दूसरे डिवाइस पर जो आप कॉल कर रहे हैं उसमें ये वीडियो कॉल कनेक्शन है या नहीं है ठीक है मेरा कहने का मतलब यहाँ पर उस डिवाइस पर यह वीडियो कॉल सपोर्ट है या नहीं है ठीक है क्योंकि दोस्तों सारे डिवाइस पर ये जो वीडियो कॉलिंग का फ्यूचर है वो सपोर्ट नहीं करते तो आपको वो कन्फर्म करना होगा ठीक है वरना दोस्तों आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग मैसेंजर वीडियो कॉलिंग तो वो सब यूज़ कर सकते हैं ठीक है और गूगल व्यवीं आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो ये सब दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिए ठीक है अगर उनके पास भी ये फ्यूचर है फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर किसी के डिवाइस के साथ कनेक्ट ही नहीं होते तो फिर आपको सोल्यूशन करना है सबसे पहले जाइए सेटिंग के अंदर पे उसके बाद जाइए कनेक्शन एंड सेटिंग पर शेयरिंग पर और रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क ब्लूटूथ पर जाके रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके आपको मोबाइल पासवर्ड भर देना है और ओके करना है ठीक है तो नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है नेटवर्क सेटिंग रिसेट करने से होगा क्या यदि नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको नीचे जाना है ऐप्स पर और जाइए मैनेज ऐप पर मैनेज ऐप पर जाने के बाद दोस्तों आपका जो कैमरा है उसको ओपन करें फोर्स स्टॉप करके ओके okay कीजिए और क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा करके ओके okay कीजिए उसके बाद एक परमिशन पर जाए सारे परमिशन जो है उसको अलाउ कर दीजिए ठीक है तो सारे परमिशन अलाउ होने के बाद आपको बैक करना है फ़ोन सर्विस पर जाना है फोर्स स्टॉप करना है ओके okay करना है और क्लियर डेटा करके क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके ओके okay करना है उसके बाद दोस्तों एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखें और चेक कर लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा ठीक है बाई एनी चांस यदि आपको दोबारा से इसके रिगार्डिंग पर दिक्कत आ रहा है इसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है वीडियो कॉलिंग पे तो आपको करना क्या है आपको डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है ठीक है तो नेट ऑन करके आपको जाना है अबाउट फोन पे और सॉफ़्टवेयर को अपडेट कर देना है इससे आपका जो वीडियो कॉलिंग का इशू है वो फिक्स हो जाएगा ठीक है तो बस दोस्तों वीडियो कॉलिंग फ्यूचर को फ़िक्स करने का तरीका इतना है आप इसको फॉलो कर लीजिए उसके बाद दोस्तों वीडियो कॉलिंग का जो भी इश्यू है वो फिक्स हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस ही इसके रिलेटेड में आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं कि, कि किस तरीके से आपको इश्यू आ रहा है किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है कुछ डिटेल्स मिल जाएगा तो हमें भी समझ में आएगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग